मुस्लिमों को कहते हैं कि एक मुस्लिम अगर आतंकवादी है तो सभी मुस्लिम आतंकवादी है। दूसरी प्रकार मैं भी कह रहा हूँ कि बीजेपी का और एक विधायक बलात्कारी है तो सभी विधायक जो है बलात्कारी हो गए ही। बिल्कुल, ये प्री प्लान था, इसको एक तरह से कहें कि प्लान के तहत अंजाम दिया गया है कि कैसे हम एक गवाह को ख़त्म कर दें। इसमें वकील था, उसकी चाची थी, पूरी तरह से जख्मी है लड़की, आज जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। सरकार उनका है, वो कुछ भी कर सकते हैं। आज उनका गया है, कल निकल जाएगा वो जेल से, कल बाइज्जत रिहा हो जाएंगे। सांसद है साक्षी महाराज जी, और चुनाव के समय जब चुनाव जीतते हैं 2019 में, तो उनको थैंक यू बोलने चाहते हैं, यहाँ तक कह देते हैं कि अगर सैगर जी नहीं होते तो हम चुनाव नहीं जीतते। जब हम किसी लड़की, किसी बहू, किसी बेटी, किसी बच्चियों के मुद्दों पर हम प्रश्न पूछते हैं तो हम ही से सवाल किया जाता है। आप सब ने देखा होगा पिछले सप्ताह में किस तरीके से संसद में हंगामा मचा। हंगामा इस बात के लिए मचा था कि आजम खान ने एक बयान दिया जो बयान शर्मसार करने वाली थी। इस पर तमाम महिला सांसद आग बबूला हो गई और उन लोगों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बहुत अच्छी बात है, जब महिलाएं जागरूक होती है, महिलाएं अपनी आवाज़ उठाती है तो अच्छा लगता है, अच्छा लगना भी चाहिए था। ये ऐसा मुद्दा था आजम खान वाला जिसमें न केवल भाजपा के सांसद बल्कि भाजपा के अलावा जो इतर पार्टियाँ था सारी महिलाएं एक मंच पर आ गई थी। बहुत अच्छा लगा, महिला सशक्तिकरण का मिसाल इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन इसी देश में एक दुख की बात यह है कि एक महिला आज जिंदगी और मौत से तड़प रही है। आज कोई सांसद सड़कों पे नहीं है, आज कोई सांसद संसद में नहीं बोल रही है। कहाँ गई वो महिला सांसद जो चीख चीख के आजम खान के बयानों पर छाती पीट रही थी? कहाँ गई वो महिला सांसद जो आजम खान के बेतु का बयानबाजी कर रही थी? कहाँ गई वो महिला सांसद जिनको लगता था कि महिलाओं के खिलाफ कोई अत्याचार होगा तो हम कंधा से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेंगे? आज वो कोई महिला सांसद आपको दिखाई नहीं दे रही है। पता नहीं क्यों मसले भी अलग हो जाते हैं, मुद्दे कभी हिंदू हो जाते हैं तो मुद्दे कभी मुस्लिम हो जाते हैं। इत्तेफाक से जो ये मुद्दा है वो हिंदू का ही मुद्दा है। हम बात कर रहे हैं उन्नाव पीड़िता रेप कांड का जो मामला था उस पे, जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर अभी जेल में है। आपको मालूम होगा कि 2017 में एक घटना घटी थी उन्नाव रेप कांड, उसकी पीड़िता दर बदर भटक रही थी, वो चाहती थी कि उसको न्याय मिले, लेकिन न्याय तो छोड़िए तो इसको सुनने वाला नहीं था। तब जाके पीड़िता के परिवार ने मुख्यमंत्री योगी के घर के सामने धरना देना मुनासिब समझा और उन्होंने आत्मदाह करने की कोशिश की। तब ये मुद्दा मीडिया में छाया, मीडिया ने इसको खूब उठाया और उसके बाद असर ये हुआ कि कुलदीप सिंह सेंगर को जेल भेज दिया गया। वो अभी फिलहाल जेल में है, लेकिन जेल में रहते हुए भी विधायक जी ने लगातार पीड़िता को धमकाया, कई बार धमकियां दिया कि आप अपना बयान वापस ले लो, आप मुकदमा वापस ले लो वरना तुमको साफ कर दिया जाएगा। कुछ ऐसा ही घटना घटा 2 दिन पहले, एक एक्सीडेंट हुआ। पीड़िता के परिवार वालों का साफ कहना है कि विधायक जी के गुर्गे जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे थे, जिस तरीके से वो धमका रहे थे, सीधे सीधे उनका हाथ है, क्योंकि दूसरे साइड में आकर के ट्रक कैसे धक्का मार देती है, ये इत्तेफाक है कि ट्रक के नंबर पे काली स्कूटी है, ये भी इत्तेफाक है कि उस समय उनके साथ कोई सुरक्षाकर्मी नहीं है। इत्तेफाक तो कई है, अब मामला जाँच का है, जाँच होगा पता चलेगा कि मसला क्या था। लेकिन हम सवाल यही उठाना चाहेंगे संसद के तमाम महिला सांसदों से कि जब आजम खान के बयान पे आप एकजुट हो सकते हैं तो इस उन्नाव रेप कांड पे एकजुट क्यों नहीं हो सकते? हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं जो अभी लोगों ने पुतला दान किया योगी सरकार का, इनका साफ कहना है इसमें योगी सरकार की लापरवाही नजर आ रही है। जिस तरीके से उनको सुरक्षा देना चाहिए था वो सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया। उनको 3-3 सुरक्षाकर्मी मिला था, लेकिन क्या बात था कि घटना वाले दिन सुरक्षाकर्मी उनके साथ नहीं थे। हमारे साथ ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से जिला सचिव बबलू जी हैं, उनके साथ भी तमाम साथी लोग हैं। इन लोगों ने अपनी पुतला दान किया, इनका साफ कहना है कि इसमें योगी सरकार का जो है पूरा जम के उनका साथ है, वो सेंगर की बचाने की कोशिश करते हैं। शर्म तो तब आती है कि जब इन्हीं के सांसद साक्षी महाराज जीतते हैं तो सेंगर से मिलने जेल में जाते हैं। उनका कहना है कि सेंगर के चलते ही हम जीत पाए हैं। ये जो एक्सीडेंट हुआ, इस एक्सीडेंट को कई नज़रिए से देखा जा रहा है। पक्ष इसको देख रहा है कि विपक्ष का चाल हो सकता है, विपक्ष पूरा का पूरा आरोप भाजपा पे लगा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये भी लोग उछाल रहे हैं कि ये सपा के नेताओं से जुड़ी हुई ट्रक थी, उसके ड्राइवर के ताल्लुकात सपा के नेताओं से। नेता चाहे सपा का हो चाहे बीजेपी का हो, मसला वो नहीं है, मसला ये है कि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। इस देश में अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो उसको न्याय मिलना चाहिए, वो किस जाति की है, वो किस पार्टी की है, किस मजहब की है, ये मसला नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से ट्रक ने कार का परखच्चा उड़ा दिया उसमें उसकी मौसी और चाची की मौत हो गई, वकील जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, पीड़िता भी जिंदगी और मौत से जूझ रही है।
अब भविष्य ही बताएगा कि क्या होगा, लेकिन हमारी एक उम्मीद है, हमारी एक आस है मोदी सरकार से, योगी सरकार से, कि अगर आप न्याय नहीं दिलाएंगे तो देश की बेटियां किसके सहारे जिएंगी। आप चुनाव में लंबा लंबा बोले जा रहे थे बहुत हुआ बलात्कार, अब की बार मोदी सरकार, इस नारे का क्या हुआ, इस स्लोगन का क्या हुआ जिसके सहारे युवतियों ने बढ़ चढ़ के आपको वोट किया, आपको सरकार में लाया, वो अब आस ढूंढ रही है, अब उम्मीद देख रही है आपकी ओर कि आप क्या करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी मोदी, सर्व करो सर्व करो, विफलता ही नहीं चलेगी।